आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। इस वक्त की खास खबरों का जो है, एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहल उठा रही है और तमाम योजनाएं ला रही है, वहीं मेरठ के रहने वाले दंपति ने 28 साल से उल्टे पैर चलकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पदयात्रा कर लोगों को जागरूक कर रही है। बता दें, अनूठी साधना जागरूकता के लिए दंपति पोस्ट कार्ड से जनता को जागरूक करते हैं। पिछले 28 वर्षों से जनसंख्या नियंत्रण की मांग को लेकर अपना अभियान चला रहे हैं और 300 शहरों से भी अधिक में हम अपनी पदयात्रा कर चुके हैं। हमारी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि वो अब दो बच्चों का कानून अवश्य बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमें अब मतलब किसी भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ मोदी जी से, और इनसे मोदी जी से ही उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर कोई ना कोई कानून अवश्य बनाएंगी। दिनेश तलवार, मेरठ। हम उल्टा इसलिए चलते हैं ताकि देश सीधी राह पर चल सके। जिस देश में 61,000 बच्चे रोज पैदा होते हो, उस देश का भविष्य क्या होगा, ये समझाने और बताने के लिए हम शहर शहर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से अपील करते हैं कि वो सरकार पर दबाव बनाएं कि अब देश में दो बच्चों का कानून बनना चाहिए। और अब वर्तमान में हमारा एक उद्देश्य है कि हम अपने हाथों में पोस्ट कार्ड रखते हैं और देश की जनता को ये पोस्ट कार्ड देते हैं और उनसे कहते हैं कि लिखे चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री के नाम। खबर रायबरेली से है, जहां शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गुमाद पुलिस चौकी के अंतर्गत में बाउंड्री वॉल गिरने से मलबे में दबकर 8 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया, जिसके बाद पुलिस से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कैसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता है कि वो खुद को इस देश का राजकुमार समझते हैं। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। वो देश के संविधान को चैलेंज करते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक दिन उनको ईडी बुलाएगी तो उन्हें जाना पड़ेगा। इस मौके पर बीजेपी सांसद दंगली पथ योजना की भी तारीफ की और कहा कि ये सबसे अच्छी योजना है। साथ ही महाराष्ट्र सियासी हलचल पर बयान देते हुए सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र आला कमान मुझे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ये राहुल गांधी, उनकी मानसिकता ये है कि वो इस देश के राजकुमार हैं और इस देश के राजकुमार को ईडी बुलावे, सीबीआई बुलावे, ये उन्हें मंजूर नहीं है। एक तरीके से ईडी के बुलाने पर जो उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भारत का जो हमारा संविधान है, ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह दिन आएगा कि हमको ईडी बुलाएगा और हमको जाना पड़ेगा, और इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। खबर कानपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। दाओ नगर पुल के नीचे मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाले गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुल ने 2 लग्जरी गाड़ियां और 1 दर्जन से भी ज्यादा गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए और पकड़े गए 6 शातिर चोरों को जेल भेजा। थाना फजलगंज की पुलिस टीम ने कल रात चेकिंग के दौरान इनोवा और i20 गाड़ी में 6 बदमाशों को अरेस्ट करा है। ये 6 फतेहपुर जनपद के एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में नवंबर महीने में चोरी किए थे और उस चोरी किए हुए सामान को बेचने के लिए इधर घूम रहे थे। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ के जेल भेजा है, सामान की बरामदगी कर ली है। टीम के सराहनीय कार्य के लिए 5,000 रुपये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा उपचुनाव में शाम 5 बजे तक लगभग 37% वोटिंग हुई है। वहीं सपा नेता आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर में रजा डिग्री कॉलेज में वोट डाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हिंदुस्तान की जो स्वतंत्र है,
कौन सी है? अभी बता दीजिए। आरोप लगा रहे इलेक्शन कमीशन? मैं कहा आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। आरोप लगाऊंगा तो एक आरोप का मुकदमा कायम हो जाएगा। आजम साहब, हमने देखा था जिस भी रैली में आप जाते थे तो आप वहाँ मन से ये कहते थे, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, तो जो चीजें वहाँ पर हो रही थी अब आज मतदान के दिन भी ऐसा हो रहा है। आपको दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा? कभी तो सच बोल दो भाई, तभी तो लोगों का भरोसा उठ गया आप लोगों का। आजम सरिया पूरे जिले की ऐसी है जो वोट डाल ही नहीं पा रहे, जो घर से निकल रही है तो मोटरसाइकिलों में सूजे घुसेड़ रही है पुलिस, रिक्शा के टायर काट रही है, लोगों को पोलिंग बूथ की लाइनों में मारा जा रहा है, मशीन्स बंद कर दी जा रही हैं ये कहकर के बूथ के बाहर से लौटा दिया जा रहा है कि साहब मशीन खराब हो गई, और ढाई ढाई पौने तीन तीन घंटे वोटिंग को बंद रखा जा रहा है। मैंने तो कहा और ट्विटर पर भी कहा और आपके सामने भी कह रहा हूँ, कैसे चुनाव से कोई फायदा नहीं। खबर मुरादाबाद से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। बता दें अब तक मुरादाबाद में कोरोना संक्रमित 30 मरीज सामने आ चुके हैं और एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। इस समय हमारे 30 एक्टिव मरीज हैं और करीब 1000 हम सैंपल रोज कर रहे हैं और अब इस पे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं केसों की बढ़ोतरी को देखते हुए। अलीगढ़ के ब्लॉक अकबराबाद क्षेत्र के गांव बघियार में पूर्व में चल रहे राशन कार्ड डीलर की दुकान पर अनियमितता के चलते निरस्त कर दिया गया, जिसका चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों के बीच कराया गया, जिसमें गांव के लगभग 15 स्वयं सहायता समूह, 7 समूह को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राशन डीलर के लिए आवेदन और मतदान से निरस्त कर दिया गया। जाट महिला स्वयं सहायता समूह को राशन डील चुनाव और आवेदन के लिए चुना गया है, जिसमें लक्ष्मी व स्वयं सहायता समूह में राशन दुकान के लिए दूसरे किसी के आवेदन पर ब्लॉक के अधिकारियों ने अन्य समूह की महिलाओं से अलग अलग आवेदन के लिए पूछताछ की, लेकिन एक भी समूह द्वारा राशन की दुकान लेने को तैयार नहीं है। वही अब अन्य आपात समूह की महिलाओं ने विरोध किया, जहां मौजूदा पुलिस महिलाओं के बीच कहासुनी हुई। वोट पर रहे समूह के? किस बात के लिए? कोटे, राशन कोटे। तो आपने क्या दावा किया इसमें कोटे के लिए? जी फिर? बोल रहे हैं 8 समूह के वोट हैं, हमारा समूह काट दिया, क्यों काट दिया? तो आपने इस संबंध में किसी अधिकारी से जानकारी की? हाँ लिए ली हो, ली है जानकारी, क्यों नहीं लेंगे? फिर क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं, मनाना कर रहे हैं, अभी आए थे पुलिस वाले मनाना कर गए, खाली प्रधान ही रह सकता है उसके अंदर, आप घर जाओ लौट के बताओ हम घर किस बात के लिए जाएं। राशन वोट पर रहे भैया, राशन डीलर के। तो आप वोट डालने का किस किस को अधिकार दिया है यहाँ पर? 8 अनु की दौड़ है, 11 है। 11 क्या समूह? तो कितने समूह को लिए दिया? 8 अनु की दौड़ है बता। 8 का है? आप कौन से समूह से? सीता से। आपका समूह क्या काट दिया? हमारा काट दो। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे वोट डाले हो, हमारे काट ही दो तो का करे बताओ। परे तो 11 इनके परे और ना परे ना। सपा का झंडा लहराया जा रहा है, ये गलत तरीका है वैसे, लेकिन ये है कि लोकतंत्र है, हर आदमी अपना अपना स्वतंत्र है और किसी संपत्ति पर नहीं, सरकारी संपत्ति में कोई पर्टिकुलर प्राइवेट किसी ने झंडा नहीं फहराया होगा। से जो सेल्फी के शौकीन के लिए निराला पार्क के पास बनाया गया आई लव उन्नाव लिखा सेल्फी पॉइंट और फवारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सेल्फी पॉइंट बन जाने के बाद से यहां देर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, जिसके चलते आसपास के दुकानदारों की भी अच्छी कमाई हो रही है। यूपी के श्रावस्ती में आज दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। करीब एक हफ्ते पहले ही पत्नी अपने मायके श्रीनगर आई हुई थी, जिसके बाद बीती रात पति भी ससुराल पहुंच गया और फिर पत्नी को चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि पति अक्सर दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं मृतका के परिजनों ने मातम पसरा हुआ है। एसपी अरविंद कुमार मौर्य ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना मल्लीपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके लड़की की शादी एक वर्ष पूर्व बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र में हुई थी और उनका दामाद रात्रि में आया हुआ था और उनकी लड़की को चाकू से गोद कर मृत्यु कारित कर दिया है और इसके पूर्व दहेज की मांग भी
उनके दामाद और परिजनों द्वारा की जा रही थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां पुलिस विभाग ने जेसीबी की मदद से जमीन में दफनाए गए चोरी की 2 टन सरिया को बरामद किया और चोरी करने वाले 3 चोरों को भी गिरफ्तार किया। बता दें, चोर का माल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे से चोरों ने चोरी किया था, जिसे बेचने के मकसद से जमीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दिया था। प्रभारी निरीक्षक अछल्दा और उनकी टीम जो है, उनको सूचना मिली मुखबिर से कि कुछ चोर जो है वो सामान बेचने की फिराक में हैं। इनकी टीम ने तुरंत जो है उस पर कार्रवाई की और उनके कब्जे से इनको करीब  2 टन जो है वो शरिया बरामद हुई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि इनके थाना क्षेत्र से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो अभी निर्माणाधीन है, ये गुजरता है और उसमें बहुत सारा लोहे का सामान जो है वो इन लोगों ने चोरी किया हुआ है और उसको ये लोग बेचने की फिराक में थे। खबर औरैया से है, जहां पुलिस ने 4 अंदर जनपदीय गैंग का भंडाफोड़ कर चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, चोर की टोपी और आई कार्ड के साथ व्यापारियों की दुकान पर जाकर ठगी करते थे, जिसके बाद पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 11 बैटरी, 4 इन्वर्टर और 200 लीटर सरसों का तेल बरामद किया। ये आज दोपहर की सूचना पर इनको थाना अरवा कटरा के दहीपुर के पास एसओजी टीम और हमारी जो अरवा कटरा की टीम है, उन्होंने इनको पकड़ा है। इनके कब्जे से ये 4 बदमाश हैं और अंतर जनपदीय गैंग है, इसमें सुशील यादव नाम का एक व्यक्ति है जो इनका सरगना है और उसी के संरक्षण में ये सब लोग अपराध करते हैं। इनके कब्जे से आज 11 बैटरी मिली है, 4 इन्वर्टर, 200 लीटर सरसों का तेल और 255 लीटर रिफाइंड तेल और 5570 रुपये। और जिन गाड़ियों से ये सब करते थे वो उसमें एक टाटा नेक्सन गाड़ी, एक वैगनार गाड़ी मिली है। खबर रामपुर से है, जहां उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने विशारद नगर कस्बा बिलासपुर में एक महिला को फर्जी वोट डालते पकड़ा। बता दी, महिला अपनी जेठानी का वोट डालने आई। पूछताछ में पता चलते ही पुलिस ने महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। पता ये लगाएंगे भेजा किसने था, इसीलिए उसको रोक लिया गया है और उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी की जाएगी। सर, इसमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अब जितने लोग का उसमें समझ में आएंगे, जैसे किसी ने भेजा होगा उसको तो दोषी वो भी कम नहीं है जिसने भेजा है। और ये तो है ही है जो आई है डालने के लिए, तो हमारा पूरा प्रयास है कि फर्जी वोटिंग ना हो। की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।